है वो बेस्ट है ऑन समर मेकअप ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताऊंगी कि समर में भी आप कितनी अच्छी तरीके से मेकअप करके निकल सकते हैं। लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, उसके बाद फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है। मैंने प्लम के टी ट्री मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज किया अपने फेस को। इसके बाद मैंने अपने आईब्रोज को फिल अप कर लिया है मिस क्लेयर के आईब्रो केक किट से। तो अभी हम करेंगे अपने फेस को प्राइम। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ आज मेवली न्यूयॉर्क मास्टर प्राइम बाय फेस स्टूडियो से। तो इसे बहुत ही टाइनी अमाउंट का हमें लेना है। और अपने टी जोन में डॉट डॉट करके प्राइम कर लेना है। हमारे टी जोन में ज़्यादा ऑयल और स्वेटिंग होता है, तो इसी वजह से हमारा जो मेकअप है वो स्टे नहीं करता है। तो इसलिए हम प्राइमर को मेनली अपने टी जोन में ही अप्लाई करना बेटर होता है। तो हमारा प्राइमर लगाना हो चुका है, अभी हमें 2 to 3 minutes वेट करना होगा, क्योंकि तुरंत तुरंत प्राइमर लगाने के बाद कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना होता है। हमें सारे प्रोडक्ट्स को अपने फेस पे सेट होने के लिए कुछ समय देना चाहिए। तो इसीलिए हम 2 to 3 minutes वेट करेंगे, उसी के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप। हमारे प्राइमर को सेट होते हुए 2 to 3 minutes हो चुके हैं, तो अभी हम अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन लोशन। मैं न्यूट्रोजिना का सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करने वाली हूँ। समर सीजन में घर से जब हम बाहर जाते हैं मेकअप अप्लाई करते हैं, उसके पहले हमें सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। अगर आपको सनस्क्रीन रिलेटेड कोई भी वीडियो की जानकारी चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके वह चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपने फेस पे सनस्क्रीन लोशन अप्लाई कर लेते हैं। आप भले मेकअप करें ना करें, बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लोशन आपको हमेशा अप्लाई करना होता है। चाहे वो गर्मी का सीज़न हो या फिर सर्दी का सीज़न हो, आपको हमेशा ही सनस्क्रीन लोशन अपने फेस पे अप्लाई ज़रूर करना है। सनस्क्रीन लोशन आपके स्किन को प्रिवेंट करेंगे हार्मफुल यूवी रेज से, सन टैन से, स्किन कैंसर से। प्राइमर लगाने के बाद आपको रब नहीं करना है, आपको ऐसे डैप करना है अपने फेस पे। जितने भी आपके सन के साथ एक्सपोज होने वाले बॉडी पार्ट्स होंगे, जैसे आपके नेक हो गया, फेस हो गया, हाथ हो गया, सारे जगह पे सनस्क्रीन लोशन अप्लाई ज़रूर कीजिए घर से बाहर निकलने से पहले। तो चलिए हमारा सनस्क्रीन लोशन लगाना हो चुका है, अभी हम लगाएंगे। आज हम फाउंडेशन नहीं लगाएंगे, जबकि ये समर मेकअप ट्यूटोरियल है, तो समर में हम सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा एक लुक क्रिएट करें जिससे कैरी करना भी बहुत आसान हो और ज़्यादा हमारे फेस पे स्वेट भी ना आए, फेस का मेकअप डल भी ना दिखे, मैसी भी ना दिखे। तो इसलिए आज हम यूज़ करेंगे लैक्मे का 925 cc क्रीम। तो इसे भी हमें थोड़ा सा क्वांटिटी में लेना है, फिर अपने फेस में डॉट डॉट करके अप्लाई करना है। अपने नेक पे भी कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो हमारा फेस कुछ अलग ही टोन का दिखेगा और
भी अलग टोन का दिखेगा, तो दोनों बराबर मैच करने के लिए हमें नेक पे भी अप्लाई करना होता है। उसके बाद हम एक ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, उस पे मैं थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे स्प्रे कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने मेकअप को इससे ब्लेंड करूँगी। आपको ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप को रगड़ना नहीं है, सिर्फ ऐसे प्रेस करना है। आप अगर रगड़ोगे तो सारे मेकअप प्रोडक्ट्स आपके ब्यूटी ब्लेंडर में लग के आ जाएंगे, आपके स्किन पे नहीं टिके रहेंगे। तो आपको ऐसे धीरे 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 से ब्लेंड करते हुए अच्छे से अपने मेकअप को सेट करना है। अपने कानों पे भी प्रोडक्ट्स को अप्लाई कर लेना है। तो ये हो गया हमारा सीसी के अच्छे से अप्लाई। अब हम अपने फेस में कम्पैक्ट लगा के उसको सेट कर लेंगे। आप कोई सा भी कम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो जो आप यूज़ करते हो। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेवेलिन का। स्पेशली आपको अपने टी जोन पे लगाना है, क्योंकि हमारे टी जोन पे बहुत ज़्यादा स्वेट होता है। फिर अपने चेहरे पर, नेक पर, सब जगह लगा लीजिए। इसके बाद हम अपने अंडर आई को कंसील करेंगे। यहाँ मैं जो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ये है मेवली न्यूयॉर्क का इन शेड 25 मीडियम। तो इसे हमें अपने अंडर आईज पे लगाना है। अपने फोरहेड पे लगाना है। चिन में लगाना है। फिर से इसे हमें ब्लेंड कर लेना है। हमारा कंसीलर जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अभी हमें अपने कंसीलर को कोई सा भी लूज पाउडर से सेट कर लेना है। अगर आपने कंसीलर को लूज पाउडर से सेट नहीं करेंगे तो वो क्रीज लाइन पे सेट नहीं होते हैं, दिखने लगते हैं अपने क्रीज पे। आप ऐसे सेट कर लीजिए। ये हमारा कंसीलर सेट हो चुका है। मैंने जो लूज पाउडर यूज़ किया है वो है मेकअप रिवोल्यूशन का लग्जरी पाउडर बनाना। तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे आई शेडो आईज पे। इसके लिए मैं ले रही हूँ मिस क्लेयर का आई शेडो। हिंदी शेड 0904। ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही लगाएंगे हल्का सा टच देने के लिए, ताकि हमारे आईलिड्स खाली ना दिखे। बहुत ही हल्का सा शेड लगाया है, ज़्यादा नहीं अप्लाई किया हमने। अब हम अपने लैश को कर्ल करेंगे। फिर मस्कारा यूज़ करेंगे। मैं जो मस्कारा यूज़ कर रही हूँ वो है मेवली न्यूयॉर्क का लैश सेंसेशनल।
कर ले रही हूँ। मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है, अभी हम अप्लाई करेंगे काजल हमारा वाटर लाइन पे। मैं जो काजल यूज़ कर रही हूँ वो है प्लम का। काजल पे अप्लाई कर लिया, अभी हम अप्लाई करेंगे ब्लश अपने चीक्स पे। मैंने जो ब्लश यूज़ किया है वो भी है मेवलिन न्यूयॉर्क का कलर शो ब्लश। अभी अप्लाई करेंगे हाइलाइटर, ये भी है मेवलिन न्यूयॉर्क मास्टर क्रोम बाय फेस स्टूडियो का मेटालिक हाइलाइटर। इसे हम यूज़ करेंगे अपने इनर कॉर्नर ऑफ आवर आई। अपने ब्राउ बोन पे अपने चिक बोन पे ब्रिज ऑफ आवर नोज फोरहेड्स पे, अपने फोरहेड पे और अपने चिन पे। तो ये हो गया हमारा हाइलाइटर, अभी हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। जो लिपस्टिक मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये लिप क्रियॉन है NY बेका मिथ्स मैट इन दी शेड 18। हमारा लिपस्टिक भी अप्लाई हो चुका है। जो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है हमारे ये जो पूरे मेकअप को अपनी जगह पे बैठा के रखना, सेट करके रखना फॉर द लॉन्ग टाइम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने मेकअप को सेट करना है। जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे वो है मिस क्लेयर का। ये है मैट फिनिश लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे फॉर फिक्सिंग मेकअप, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। तो चलिए इसे अप्लाई कर लेते हैं। अभी अपने ब्लेंडर को लीजिए और एक्सेस को उससे डैब कर लीजिए। तो ये है मेरा आज का फाइनल लुक। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा कि हम समर में भी कुछ ही प्रोडक्ट्स को लेके कितना अच्छा सा मेकअप लुक दे सकते हैं, कितना अच्छा मेकअप कर सकते हैं। सी अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि आप मेरे हर दिन के आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें।
आज का मेकअप आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिए, और सारे इन प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।